अलीगंज इलाके से बड़ी खबर, दबंगों से परेशान परिवार ने पोस्टर लगा दिया। ये जो तस्वीर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लखनऊ के अलीगंज की तस्वीर। दबंगों से परेशान थे तो क्या कर दिया, एक पेपर पे लिखा कि ये मकान बिकाऊ है। ये देखिए, मुस्लिम दबंगों के उत्पीड़न से पलायन को मजबूर, जान से बड़ा मकान नहीं, ये ऐसा कुछ यहां पर लिखा गया है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद, ऐसे क्या हालात आ गए कि घर के बाहर इस तरह से पोस्टर चस्पा कर देने पड़े? बिल्कुल, इस हालात के बारे में सीधे परिवार से ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें एक आपको दिखाते हैं। हम उसी मकान के बाहर खड़े हैं जहां पर ये पोस्टर्स इस तरह से लगाए हैं और परिवार के लोग जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, इस तरह के पोस्टर है कि ये मकान बिकाऊ है, मुस्लिम दबंगों के उत्पीड़न के कारण पलायन को मजबूर, जान से बड़ा मकान नहीं, और ये बकायदा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वो फैमिली है जिन्होंने लगाया था। ये आप लोगों को इस तरह के पोस्टर लगाने की जरूरत क्या क्यों पड़ी, क्या वजह थी? रात भर हम लोग दहशत में रहे, डरे डराए गए हैं, खूब कायदे से पूरा नहीं, 3 बजे तक ये लोग धमकियां देते रहे कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, हम 5 है, 2 मरेंगे, 3 बचेंगे और घर घुस के मारेंगे, बहुत उल्टी और गालियां तो बहुत ही गंदी गंदी ये लोग। क्या वजह थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी, बच्चों को ऐसा कहा सुनी हुई तो वो तो चलिए शांत हो जाता, उसके बाद उससे पहले इन लोगों का रोजा इफ्तारी होने वाली थी और हमारी बैठक थी भगवा यात्रा की, क्योंकि हम बीजेपी में मंडल मंत्री है और तो इनको ये था ना कि जैसे हम झंडा वितरण करते हैं, अभी 15 अगस्त को किया है, और जैसे मन की बात कभी कभी करानी हुई तो 4 इकट्ठा कर लेते हैं, 20-25 लोगों को मन की बात कराते हैं, तो इनको ये चीज मंदिर में घंटिया, जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ, जन्माष्टमी या कोई कार्यक्रम हुआ तो हम लोग मंदिर में कराते रहते, तो इनको है ये क्यों करा रही है। तो ये यहाँ पे आपके पड़ोसी है जो परिवार जो धमकी दे रहा आपको? हाँ, बहुत ज्यादा धमकी दे रहा, उस दिन तो इतना डरा दिए थे कि हम इसको काट डालेंगे तो हमको डर नहीं लगेगा। ये देखे ताला लगा के हम लोग सोते रात में कि बच्चे कहीं अंदर से घर में ताला लगाते हैं, गाली सुन के कहीं बच्चे निकल ना पड़े कि हाँ इतनी गंदी गाली क्यों दे रहे, क्योंकि गाली कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, क्या पता निकल जाए, फिर मारपीट हो जाए, हम बच्चों को मार कूट डाले। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों परिवार रहते हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं यहाँ पर। तो ज्यादा संख्या किसकी है? मुस्लिमों की ज्यादा है यहाँ पे। तो वो क्या चाहते कि आप लोग यहाँ से चले जाए? नहीं, बाकी मुस्लिम लोग नहीं चाहते, बाकी तो सब चलो आपस में मिलजुल के, ज्यादा मतलब नहीं, इनको कुछ ज्यादा ही मतलब है। वजह क्या है इसका कि मंदिर में आप लोग पूजा पहुंचा होती है? पाठ भागवत कराई थी तो कहते भागवत कराएंगे, यहाँ साउंड लगेगा तो हम लोगों को शोर शराबा लगेगा, तो डाला जिस दिन आया उस दिन तो इतना बवाल किए थे कि बहुत ज्यादा ये लोग किए थे, चूड़ी नहीं पहने बैठे हैं और भागवत यहाँ कैसे होगी, ये है वो करने लगे। फिर नॉनवेज जिन लोगों का यहाँ बनता था, हमने कहा मंदिर के पीछे नहीं बनेगा नॉनवेज मंदिर, तो वो इनको बुरा लगा। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, ये पार्क है सामने और ये पीछे ठीक मंदिर है और ये पार्क है, इनका आरोप है कि ये पार्क में अगर वो नॉनवेज बनाते हैं जिसका इन्होंने विरोध किया था, तो वो भी एक वजह थी। आप लोगों ने इस पे शिकायत भी की है पुलिस से, क्या कहा पुलिस ने? आपको बता दे इस पे कोई तहरीर जो हमने, ये तहरीर है जो मैंने दी थी एक्चुअली, और ये FIR है, इसमें 4 नाम पड़े हैं, इसमें खाली 2 नाम है, जो मेन एक्यूज हैं उनके नाम ही नहीं जिन्होंने मुझे गाली दी। कौन है वो मेन एक्यूज? मोहम्मद जुबैर जो आके बैठ गए थे, उनके भाई परवेज और सीलू वो बैठे, वो उन्होंने एक तरीके से होता मनोबल बढ़ाया उनका कि हम बैठे देख तो क्या होता होगा, वो यूट्यूब या पत्रकार वगैरह अपने आपको बताते हैं। तो ये नाराजगी और गुस्सा साफ नजर भी आ रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात इनकी जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकार प्रशासन तक भी, बहुत बहुत शुक्रिया।